نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي امين يا رب العالمين سب سے پہلے آ, میں اپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز کرنا چاہوں گی لاسٹ एक बच्ची थी आई थिंक आई डोंट नो आज अभी आई है कि नहीं लेकिन आ, उनको लगा कि शायद तिलावत में थोड़ी मिस्टेक है तो जब मैंने रीचेक किया उस वक्त तो, तो मैंने ओके okay कर दिया क्योंकि मैं क्लास ले रही थी साथ साथ जब मैं लास्ट बाद में चेक किया रिकॉर्डिंग में तो उसमें गलती नहीं थी असल में आ, मैं ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी शायद बाकी बच्चों को भी कन्फ्यूजन होती हो इससे रिलेटेड एक जो कुरान है ना उसके जो स्क्रिप्ट जिस तरीके से वो लिखा हुआ होता है तो एक तो होता है अस्मानी स्क्रिप्ट जैसे कि आप जो देखेंगे आपके उल्टे हाथ की तरफ पर्पल साइड पे भी जो लिखा हुआ है इसमें तशदीद के नीचे जेर है ये इस तरह से लिखा जाता है ये एक राइटिंग स्टाइल होता है अगर इसके ऊपर जबर लिख, इसके ऊपर लाइन होगी तो जबर कहलाएगा और इस तशदीद के नीचे लाइन होगी तो वो जेर कहलाएगा और जो हमारा पाकिस्तान और इंडिया में ज्यादातर नुस स्क्रिप्ट भी कहते हैं इसको इंडो पाक स्क्रिप्ट भी कहते हैं इसको वो रस्म जो है उसमें जो हर्फ है जैसे कि आपने दूसरी साइड पे देख रहे हैं सफेद वाली साइड पे ये जब ब के नीचे जेर है या मीम के नीचे जेर है तो उस्मानी स्क्रिप्ट में तशदीद के नीचे होता है दूसरी तरह भी लिखा जाता है लेकिन थोड़ा बहुत मुख्तलिफ आप देखेंगे डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ होता है तो अगर तशदीद के ऊपर होगा तो वो जबर होगा और तशदीद के नीचे होगा तो वो जेर होगा ठीक है ये बात समझ आ गई मेरी आई एम श्योर आप में से बहुतों को पता होगा ये बात क्लियर हुई है yes, sir. Yes, sir. Yeah. तो ये तिलावत में गलती नहीं थी लेकिन ये क्योंकि लिखा हुआ ये राइटिंग स्टाइल डिफरेंट था उस मेरे पास जो हम लोग यहाँ पे पढ़े वो होते हैं जो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है वो उसका उस्मानी स्क्रिप्ट होता है चलिए अच्छा सबसे पहले हम जो अपनी हमारी प्रीवियस क्लास थी उसके लेसन देख लेते हैं सुरह इब्राहिम है क्योंकि बड़ी छोटी सी सुरह है इनशा आज हमारी मुकम्मल भी हो जाएगी तकरीबन तो इसमें फिफ्टी टू आयत है तो जो पहली ही आयत थी उसमें अल्लाह तआला ने फरमाया कि कुरान हमें अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लेके जाता है तो ये जो कलाम हमें दिया गया है ये असल में हमें जैसे कि हमने एक कमरे की एग्जांपल ली थी कि कमरे की अगर लाइट ऑफ हो तो हम टकराते फिरोंगे फिर फिरेंगे चीज़ों से और अगर एकदम से लाइट उसकी हम ऑन कर दे कोई तो हमें चीज़ें वाजिया और साफ नजर आने लग जाएंगी इसी तरह हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात हैं जिनके बारे में तभी वो कहते हैं ना दौरे जहालीत हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है या आज भी जिन लोगों जो लोग दीन से दूर है किसी भी रीजन की वजह से अपने कुफर की वजह से शर की वजह से या अपनी लाइलि की वजह से तो उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि ये कितना बड़ा नूर है ये हमें गाइडेंस देती है किस तरीके से हमें लेके चलती है रोशनी की तरफ लेके आती है क्योंकि जब अंधेरा में इंसान भटक रहा होता है जब इंसान डिप्रेशन के आलम में होता है जब आपके ऊपर कोई आजमाइश आती है जब जैसे कि अल्लाह साल ने कुरान में कहा है कि वो सबको आजमाएंगे हर बंदा आजमाया जाएगा तो उसी के ऊपर डिसाइड होगा कि कौन जन्ना में जाएगा कौन नहीं जाएगा तो जब कोई इस दीन से दूर होगा और उसको पता नहीं होगा कि उसको अपनी जिंदगी के साथ करना क्या है तो फिर इंसान तो खुश खुदकुशी की तरफ जाता है या नशा आवर चीजों की तरफ चला जाता है उसको पता नहीं होता उसको अपनी जिंदगी के साथ करना क्या है नशे नशे में बेसिकली क्या होता है इंसान अपने आप को वो अल्कोहल पी के अपने अपनी वो कुछ देर के लिए वो अपने होश खो बैठता है तो जो भी उसकी तकलीफ है उसे लगता है वो चली गई है तो वही बात है जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर ले तो आपका मसला तो कहीं नहीं जाता हालांकि ये कुरान आपको गाइडेंस देता है गाइड करता है कि वो मामला जो आपके ऊपर आया है ये जो मुश्किल आपके ऊपर आई है उसमें से आपने कैसे निकलना है या उसको कैसे आपने बर्दाश्त करना है आपने कैसे उसको आपका आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए उस आजमाइश के दौर में इसके साथ साथ अल्लाह साल ने फरमाया अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा और अगर तुम कुफ्र करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत भी बहुत सख्त है और जो कि हदीस हमने शेयर की थी ये बहुत ज़रूरी बात है बेटे कि हम जो है ना बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के इंतजार में बैठे रहते हैं कि फला काम हो जाएगा तब हम शुक्र अदा करेंगे या शुक्र गुजार बन जाएंगे या नमाज़ें पढ़ने लग जाएंगे हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है जो छोटी चीज़ों का शुक्र अदा नहीं करता वो बड़ी चीज़ों का भी नहीं करता हमारे इर्द गिर्द मुस्तकिल हमारी अल्लाह अल्ला ताला की नीमतों से हम घिरे हुए हैं घिरे हुए हैं हम अल्लाह तला की नीमतों से उनकी रहमत से लेकिन हम इस चीज़ को रियलाइज नहीं करते और हम अपनी मर्जी के काम करवाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि जब वो जो दुआ है ना वो मेरी कबूल हो जाएगी तो मैं शुक्र अदा करके और इसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों से बरी उस तरह से अपने आप को अलहिदा रख के नहीं रह सकते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया इसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया यानी कि अगर कोई आपका महसिन है किसी ने आपकी मदद की है कोई आपके बुरे वक्त में काम आया है या छोटी ही सी चीज अगर कोई आपकी फ्रेंड उठ के आपको पानी पिला देती है आपकी छोटी बहन या आपकी आपका अपना बच्चा आपकी बेटी आपको पानी पिला देती है तो ये ये मत समझते हैं ये तो उसका फर्ज था मेरी खिदमत करनी है आप उसका भी शुक्रिया अदा करें आप ये चीज करेंगे तो आपके बच्चे ये चीज आगे सीखेंगे या आपकी फ्रेंड या आपकी छोटी बहन या कोई और कोई कजन आपके साथ कोई खैर का मामला करे तो उसका शुक्रिया अदा करें और एक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सबक था और बहुत मजा आया था आप लोगों को शायद याद होगा बड़ी हमारी डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी कि किसी भी नेक काम की दो शर्तें हैं कि एक नंबर उसकी क्या शर्त है दो दो शराब एक तो वो खालसन अल्लाह सुबहाना की रजा के लिए हो किसी और की रजा के लिए आप समझते वो फिर शिरक है अगर आप किसी और के लिए वो काम कर रहे हैं कोई नेकी का काम कर रहे हैं फिर आप शिरक कर रहे हैं आप खास कर अल्लाह सुबहान तुए आपकी नीयत हो और दूसरा कि वो कुरान और सुन्नत से साबित हो रसूल सलम ने वो करके दिखाया हो या कुरान में उसका हुक्म हो अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो फिर आपको याद होगा वो आयत थी कि लोगों के अमाल राख की तरह होंगे और ऐसा होगा जैसे आंधी आई और वो सब राख एकदम गायब हो गए तो इसके ऊपर हमारी बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई थी लेक्चर अलहमद अपलोड हो चुका है अगर कोई डिटेल देखना चाहे तो वहां पे देख सकते हैं आज इनशा सूरह इब्राहिम की आया नंबर इक्कीस से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस तकरीबन फिफ्टी टू आया हैं पूरी सूरह में वो इनशाला हमारी कोशिश होगी कि आज हम मुकम्मल कर लें اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرزوا لله جميعا فقالت دعثاء للذين استكبروا ان كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء اور هو الله کے سامنے کھڑے ہوں گے سب, کے سب تو کہیں گے کمزور मतकबरीन से जो तकबर करने वाले थे यानी कि कमज़ोर लोग जो हमारे आज माशरे में भी हैं उस वक्त के भी अबू जहल के ख़ानदान के जो बाकी के लोग थे या और लोगों के जो सरदार थे जो कि कुफर की तरफ डटे हुए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट उनके जो बाकी ख़ानदान के लोग थे वो ज़ाहिर सी बात है क्योंकि उम्र जो अमीर लोग या मतकबर लोग जो उस वक्त के होते हैं वो एक अपना जोम लिए बैठे होते हैं अपनी एक चौधराहट लिए बैठे होते हैं और वो बाकियों को भी फॉलो खानदान वालों को या जिनके ऊपर उनका असर होता है उनको फॉलो नहीं करने दे रहे होते हैं। तो उस दिन क्या होगा और वो अल्लाह के सामने खड़े होंगे सब के सब तो कहेंगे कमजोर लोग मतकबरीन से कि हम आप लोगों के पैरोकार थे हम तो आपको फॉलो किया करते थे तो क्या आप अल्लाह के अजाब में से हमारे लिए कुछ कमी कर सकते हैं قالوا لو هدانا الله لهديناكم علينا صبرنا ما لنا من محيص उनका तकबर देखें वो आगे से क्या कह रहे हैं वो कहेंगे कि अगर अल्लाह ने हमें हिदायत दी होती तो हम तुम्हें भी हिदायत की राह दिखाते यानी कि उस वक्त भी उनका तकबर आप चेक करें कि वही कह रहे हैं कि अल्लाह ने हमें हिदायत नहीं दी थी जो हम आज भी लोग यही कहते हैं ना अल्लाह ही नहीं चाहता हम नमाज पढ़ें अल्लाह ही नहीं चाहता हम कोई नेक काम करें हालांकि बार हा बार हा हम ये चीज पढ़ के आ चुके हैं कुरान में अल्लाह सुब्रह बार बार कह रहे कि हिदायत किन को दी जाती है जो कि हिदायत के तालेब होते हैं हिदायत उनको दी जाती है जो फासिक नहीं जो जो जुर्म जुर्म करने वाले मुजरिम नहीं होते वो कहेंगे कि अगर अल्लाह ने हमें हिदायत दी होती तो हम तुम्हें भी हिदायत की राह दिखाते अब हमारे हक में बराबर है ख्वाह हम जजा फजा करें मतलब रोए पीटे सर पीटे अपना अपने आप को बुरा जो भी बाल नोचे जो मर्जी करें अपने साथ या सबर करें हमारे लिए खलासी खुलासी का कोई की सूरत नहीं है कि अब हमारे लिए बचाव कोई भी नहीं जब मैं ये आयत पढ़ रही थी तो बेटे एक मैं आपको तस्वीर भी दिखाती हूँ लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो घरों में काम भी कर रही होती हैं खातिन जो हेल्पर्स होती हैं वो भी अपने घर की जो मालकिनें फिर रही होती हैं उनको ही देख रही होती हैं ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ये एक तस्वीर एक बहुत बड़ी इस तरह से फ्लोट हुई थी आप ये देख रहे हैं एक जिस जिस तरीके से बैठे हुए लोग अपनी सेल्फीज ले रहे होते हैं अपलोड कर रहे होते हैं इस बच्चे ने चप्पल पकड़ी हुई है।, है ना और ये उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं उन्हीं लोगों को कॉपी किया जाता है इसलिए उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो लोग जिन लोगों का अल्लाह ताला ने जिनको कोई मुकाम दिया है इस माशरे में या अगर कोई उनको किसी भी लिहाज से आजमाइश के तौर पर फजीलत दी है ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माशरे में अमीरों की पैरवी की जाती है और उन्हें उस बात का बड़ा फ़खर होता है कि लोग उनको फॉलो कर रहे हैं म्यूजिकल बैंड्स होते हैं या ड्रामा की जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस होती हैं या स्टार्स होते हैं सो कॉल्ड स्टार्स मुझे तो स्टार्स कहना भी नहीं अच्छा लगता है लोगों को लेकिन सो so कॉल्ड जो अपने आप को स्टार समझते हैं हॉलीवुड के या बॉलीवुड के या लॉलीवुड के ये बड़ा अपने आप को बड़ा कोई बड़ी तोप चीज़ समझते हैं कि लोग इनको फॉलो करते हैं या जो भी लीडर्स हैं इवन पॉलिटिक्स के अंदर भी लोग हाथ बांधे पीछे चल रहे होते हैं अंधाधुन पैरवी की जा रही होती है लोगों की ये बात याद रखनी चाहिए किसी भी इंसान की चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो एक इंतरादी तौर पर हो अल्लाह ताला ने अगर उसको किसी भी लेवल पे रखा है जैसे कि हदीस में भी आता है ना कि आप जवाब दे होंगे अपने से नीचे वालों के लिए तो अगर आपके घर में आपकी औलाद आपके घर में सॉरी आपके घर में अगर आपके घर, कोई काम वाली कोई ड्राइवर कोई उस लेवल पर भी कि आप को अल्लाह ने आजमाइश के तौर पे उस वक्त के उस इस दुनियावी जिंदगी में उनके ऊपर रखा हुआ है तो आप आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तो अगर, अगर आज वो लोग कोई खैर की दावत नहीं देंगे उन लोगों को तो वो इस दिन बहुत बड़ी मुसीबत में होंगे ये रियलिटी है हमें आज ना ही सिर्फ अपनी जिम्मेदारी उठानी है क्योंकि अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे कि वो जो जंजीरों में जकड़े हुए होंगे तो वो चेन होंगे मतलब एक दूसरे से दूसरा तीसरे से तीसरा चौथे से वो चेन होंगे तो हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है कई दफ़ा तो ये होता है कि खानदान की कुछ खातिन ऐसी होती है ना जब आपने उनको घर पे इनवाइट किया हो तो वो अलहदा ही बेहतरीन जोड़े में बेहतरीन सजी धजी अलीदा से ही नजर आ रही होती हैं एक दो मेड भी उनके साथ अः बड़े खस्तहाल में बेचारी बच्चियां चलती हुई आ रही होंगी और वो नजर आ रहे होते हैं कि वो बिल्कुल ही एक आ, उनको फॉलो किया जा रहा है कि अच्छा उन्होंने ऐसे इस तरह का दुपट्टा पहन रखा था उन्होंने इस तरह के कपड़े पहन रखे थे या उनके जो घरों के मर्द भी हैं उनको भी अलहदा से ही वो नजर आ रहे होते और फिर वो कई दफा इतनी बुरी खुराफात में मुल्वस होते हैं लेकिन लोग क्योंकि उनको देख रहे होते हैं कि अच्छा जी ये ये सारे काम कर रहे हैं तो ये सही ही होगा बेटे यहां पर ऐसा हुई है, हम ब्रेक लेते हैं तो हर लेवल पर खैर की बात आगे पहुंचाएं किसी भी पोजिशन पे अल्लाह सुबहान्त ने अगर आपको रखा हुआ है तो आप पे फर्ज है कि आप खैर की बात आगे पहुंचाए आगे चलते हैं وقال الشيطان لما قديل الأمر ان الله وعدكم بعد الحق ووعدتكم وأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الشيطان هو 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 यानी कि जो मेरी पैरवी मेरे अः पैगम्बरों की पैरवी करेगा उसके साथ अच्छा मामला होगा ये वादा था अल्लाह का और जो ये काम सारे नहीं करेगा ये कुरान में हमारे पास ये वाद वादे के तौर पर ये चीजें आ चुकी हैं जो पैरवी नहीं करेगा उसके साथ क्या मामला होगा तो एक एक वादा अल्लाह ने किया था सच्चा वादा और मैंने भी तुमसे वादे किए थे तो मैंने तुमसे अपने वादे की खिलाफ वर्जी की वो क्योंकि आप लोगों को ये बात भी पता होगी कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि शैतान की परस्तश करते हैं तो वो भी उससे उनसे कई वादे करता है लेकिन मेरे पास तुम पर कोई इख्तियार नहीं था ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है उसका कोई इख्तियार नहीं है हमारे ऊपर

अब तुम अब ना मैं तुम्हारी फरियाद दसी कर सकता हूँ अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता अगर जो जिस तरह के डेबल वर्शिपर्स होते हैं जो उसको शैतान को पुकारते हैं तो मैं अब तुम्हारी कोई तुम्हारी बात जो है तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता कोई फरियाद रसी कर सक नहीं कर सकता ना तुम मेरी फरियाद को पहुंच सकते हो यानी कि ना तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो आज अब अल्लाह ताला के हाथ में हमारा मामला अब हम हम एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते ये बात याद रखिएगा कितने लोगों को आप ये भी सुनते हुए सुनते होंगे कि शैतान ने हमसे ये करवा दिया ये याद रखें कि शैतान आपका हाथ पकड़ के आपको कोई काम करने पर मजबूर नहीं कर सकता वो सजेस्ट करता है और जब आप छोटे छोटे मामलात में उसकी बात मानना शुरू करते हैं अपने आप अपनी प्रोटेक्शन हटानी शुरू करते हैं अपने आप को लूज छोड़ते हैं तब वो आपके ऊपर आप फिर उसके माम उसकी बात मानना शुरू कर देते हैं उसके वसवसों को मानना शुरू जो जो आइडियाज नेगेटिव आइडियाज वो आपको अंदर डालता है फिर वो आप उसकी बात मानना शुरू कर देते हैं वो दावत देता है और हम अमल करते हैं ये हमारे ऊपर है आप ये पूरा इल्जाम उसके ऊपर नहीं डाल सकते कि शैतान ने आपसे ये करवा दिया आप अपने अपने किले का दरवाजा खुद खोलते हैं बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अपनी जिंदगी में आम जिंदगी में भी कर रहे होते हैं जैसे कि घर में दाखिल होने और घर से निकलने की दुआ है क्योंकि आप दरवाजा खोलते हैं और हर तरह की चीज आपके घर के अंदर एंटर हो सकती है ये चीजें आप खुद अपने अपने हाथों से कर रहे होते हैं या इस कोई आप बैठे हुए टीवी देख रहे हैं या नमाज का वक्त हो गया है अगर आपको कह रहे कि अच्छा ठीक है अभी वक्त है वक्त है वक्त है और आहिस्ता 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 होते नमाज कजा हो जाती है और आपका शो चलता रहता है वो उसने कोई आपको बिठा नहीं रखा था आपके कंधे पकड़ के आपको उससे सजेस्ट कर रहा था कि अभी है टाइम अभी टाइम है ठहर जाओ अभी हो ठीक है पढ़ लेंगे कुरान ठीक है पढ़ हो जाएगी नमाज अभी टाइम अब अल्लाह ताला ने जोहर से असर तक एक वक्त दिया है हमें दो तीन घंटे हमारे पास होते हैं कहीं नहीं जा रहा वक्त अच्छा एंड देख लो इसका क्या होगा या ये बुक पढ़ रहे उसका एंड पढ़ लो क्या होगा ये ऐसा ऐसा वसवसे वो डालते हैं और हम उन वसवसों को फॉलो कर अमल हम कर रहे होते हैं इसलिए इसके कहने पे अमल ना करें बल्कि कुरान के पैगाम पर अमल करें यह कामयाबी का वाहि रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है जिससे हम बच सकते हैं। आगे चलते हैं। इन्नी कफर तू बीमा अशरक बिलाशुबा मैं इनकार करता हूँ इसका जो कबिल अजतुम तो मुझे अल्लाह का शरीक ठहराते थे, रहे थे तुमने जो मुझे अल्लाह का खुद शरीक बना लिया था मेरी इबादत किया करते थे मुझसे अः जो है मदद मांगा करते थे उसके बदले मैं तुमसे बहुत सारे बुरे काम करवाया करता था तो अब मैं इस चीज़ से बरी हु यकिन जालमों के लिए दर्दनाक अजाब है وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام الله سبحانه وتعالى ایک طرف جب اس طرح کی آیتیں ہوتی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ساتھ میں فورن ہمیں حوصلہ بھی دیتے ہیں کہ صرف मतलब दो जखी नहीं है खैर भी है जो लोग बात मानने वाले हैं उनके लिए खैर भी है और दाखिल किए जाएंगे वो लोग जो ईमान लाए होंगे बड़ी छोटी सी जिंदगी है बेटे हमें लगता है कि चालीस साल पचास साठ साठ सत्तर अस्सी बहुत यकीन करें पलक झपकने में गुजर रहे हैं आपको अपनी जिंदगी के जितने गुजार, आप साल गुजार चुके हैं आपको लगता है कि कोई मैंने बारह पंद्रह पच्चीस साल गुजार लिए पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है इतना लंबा सा गुजरा है अलग झपकने में गुजरता है तो जितनी जल्दी हो सके इंसान ईमान ले आए क्योंकि आपने यकीन करें बहुत थोड़ी से दिन आपने यहाँ पे इस दुनिया में रहना है और अमल करने हैं फिर आपने अल्लाह के पास लौट जाना है इस दुनिया में थोड़ा हिस्सा लें जितना जरूरी है बस और दाखिल किए जाएंगे वो लोग जो ईमान लाए होंगे और जिन्होंने नेक अमल किए होंगे ईमान के साथ हमेशा नेक अमल आता है ईमान खाली कर लेना काफ़ी नहीं है नेक अमल साथ ज़रूरी है ऐसे बागात में जिनके नीचे नहर बहती होगी और वो इसमें रहेंगे हमेशा हमेश अपने रब के हुक्म से वहाँ इनकी मुलाकात की दुआ एक दूसरे पर सलाम होगी इनशाला तला हमें ऐसे लोगों में शामिल करें आप बस एक दूसरे को कह रहे होंगे वो असल आप भी यहाँ पर है कमाल है आप कैसे पहुंच गए <laughs> इस तरह की बात है सी बात है मजाक भी हो रहा होगा एक दूसरे के साथ अच्छे कलमात में भी बात कर रहे होंगे एक दूसरे के हाल हवाल पूछ रहे होंगे अच्छा आप कब यहाँ पर आए मैं तो 500 साल पहले आ गई थी अच्छा अच्छा इस तरह की बातें भी शायद हो रही होंगी तो अल्लाह अल्ला हमें ऐसे लोगों में शामिल करें जिनके एक दूसरे के कलाम एक दूसरे के लिए सलाम हो आगे चलते हैं जी हुरुलेर आप कुछ पूछना चाह रही है मैं बहुत सर मैंने एक रिवाइज सुनी थी कि मतलब जैसे हमें कबर में डालते हैं ना हमारी हिसाब किताब कबर में ही हो जाता है और हमें जन्नत या दोजा आ, का बता देते तो क्या ये सच है यानी हम मतलब जो कबर में है वो भी क्या तक ही वेट करेंगे बेटे जो हदीस में आता है वो इसके बारे में ये है कि ये आ, उसकी शुरू की मंजिलों में से है जिसके लिए ये आसान है उसके लिए आगे आसान है जिसके लिए ये मुश्किल है उसके लिए आगे मुश्किल है तो जो डिटेल जो हिसाब वगैरह है वो तो क़्यामत के दिन तक के लिए है लेकिन हाँ जो बेसिक सवाल है जैसे कि कबर के सवाल के बारे में आता है ना कि तुम्हारा रब कौन है तुम्हारा दीन क्या है तुम्हारा नबी कौन थे ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता चला कुरान से पता चला हमें तो ये वाले सवाल हमें पूछ लिए जाएंगे कबर में और फिर जो हदीस में आता है कि उसके जो नेक लोग होंगे उनके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी या इस तरह से भी आता है कि उन्हें उनका मुकाम सुबह और शाम दिखाया जाएगा कि तुम्हारा क्या मुकाम है तो जो दोजख वाले हैं उनको उनका मुकाम दिखाया जाएगा और जो जन्नत वाले हैं उनको उनका मुकाम दिखाया जाएगा ठीक है

ثابت وفرعها في السماء. يا تُمْنَى غُورْ نَهِيَ كَيَّا اللهَ نَكَسِي مِسَالَ بِيَانْ كِيَّهِ كَلْمَةٍ कलमा तैयबा से इसका मुराद ला ला लला भी हो सकता है इससे कुछ आ, जो स्कॉलर्स हैं उनसे वो कहते हैं कि इससे मतलब जो है वो कोई भी अच्छी बात जो आप आगे करते हैं उस, उसका भी मीनिंग हो सकता है कुछ के नज़दीक ये खजूर के दरख्त की भी मिसाल अल्लाह ने दी है क्या तुमने गौर नहीं किया कि अल्लाह ने कैसी मिसाल बयान की है कलम तैयब की कलमा तैयब की इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक पाकिज़ा दरख्त इसकी जड़ें मजबूत और शाखें आसमान में हैं जैसे कि इंसान जब कोई भी अच्छी या खैर की बात करता है तो उसकी वो उसकी एक मज़बूत जड़ें होती हैं आप उसको इतनी आसानी से हिला नहीं सकते कुरान और सुन्नत की बात जो है उस वो वो असल दलील वो है और उसकी जड़ मजबूत है क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल की बात है और उसकी शाखें आसमान में फैली हुई हैं यानी कि वो आप समझ लें कि उसके आगे फलों के भी उसकी बात आएगी कि वो आगे से आप समझ लें कि मल्टीप्लाई करता है تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون يدرخت درخت فصل میں اپنا پھل لاتا ہے یعنی يعني کہ جو نیک با بات ہے وہ آگے ملٹیپلائی ہوتی جاتی آپ, اپ एक नेक बात करते हैं जिससे आपने की वो आगे इसको फैलाता है फिर तो ये फल की तरह फल दर फल जैसे एक फल होता है उसके अंदर बीज होता है उस बीज से एक और दरख्त निकलता है वो दरख्त फिर फल देता है फिर उसमें फल में बीज होता है फिर वो आगे इस तरह मल्टीप्लाई करता चला जाता है ये दरख्त हर फसल में अपना फल लाता है और हर, इसका इस जो कुछ मुफसरीन है उन्होंने कहा कि यानी कि एक मुसलमान अच्छे हालात में हो या बुरे हालात में हो सख्ती में हो या आसानी की जिंदगी में हो उ, वो हर लिहाज से उसके लिए खैर ही खैर है उस उस इंसान में खैर खैर है जो ईमान वाला है अपने रब के हुक अपने रग के हुक्म से और अल्लाह मिसाले बयान करता है लोगों के लिए ताकि वो नसीहत अखज करे ومثل كلمات خبيثه كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار और और खबीस ख़, खबीसा की मिसाल ऐसी है जैसे एक घटिया यानी कि झाड़ झका जो होती है जैसे जमीन के ऊपर से ही उखाड़ लिया जाए मतलब उनमें कोई वजन नहीं होता जो कुफर और शिर की बातें वो लोग उस वक्त कर रहे थे नबी करीम वसल्लम के पास उसमें कोई वजन ही नहीं था उसे उखाड़ फेंका जाएगा एक दो वो दौर जबकि हजरत इब्राहिम ने अपनी नस्लों को ला कर अल्लाह के नाम पर ये घर बना के बुतों से पाक करके इस जगह को अल्लाह का घर तमीर किया कि यहाँ पर एक कलमा तयबा एक नेक बात होगी और जिसको उन लोगों ने रिप्लेस कर दिया था शिर के गड़ से तो वो उसकी जड़ें कुछ मजबूत नहीं थी इसलिए उन्हें उठा उखाड़ फेंका जाएगा अभी से जिसे जमीन के ऊपर ही उखाड़ लिया जाए इसके लिए कोई करार नहीं يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله صابت سبات أتا کرتا ہے اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی और गुमराह कर देता है अल्लाह अल्लाहो को और अल्लाह करता है जो चाहता है तरा कुफरं दार या तुमने गौर नहीं किया इन लोगों के हाल पर जिन्होंने अल्लाह की नेमत को बदल दिया कुफर से एक नेमत अता, अता की थी ना अल्लाह सो ता ने इस दीन को जो हजरत इब्राहिम यहाँ लेकर आए थे अपने बच्चों को अब आगे जाके हम ये दुआ भी पढ़ेंगे उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पे आबाद किया था और उन लोगों ने अल्लाह अल्ला की और वहाँ पे मतलब सोचे अभी जमजम भी था लोग फिर वहाँ पे अपने तजारत के जरिए से गर्ज से वहाँ पे आया जाया करते थे इतनी बड़ी अल्लाह शम ने उनको नीमते दी वहाँ पर एक अपने एक जाय करार दिया उनको एक, एक मुकाम दिया वहाँ रहने के लिए और फिर उन्होंने इस चीज़ को क्या किया उन्होंने बदल दिया इसको कुफर कर दिया कुफर से बदल दिया और उन्होंने अपनी कौम को ला उतारा तबाही के घर में जहन्नम يسلونها وبئس القرار. ये दारुल बवार जहन्नुम है, वो इसमें दाखिल होंगे और वो बहुत ही बुरी जगह है ठहरने की। यानी कि जो अपनी काम को साथ लेकर चले, जो जो सरदार थे, उन उन लोगों ने उनकी पैरवी की और अब उन्होंने लाके उन्हें जहन्नुम के घाटियों जहन्नु पे उतार दिया। وجعلوا لله أندادا ليفضلوا عن سبيله

आप कहिए मेरे इन बंदों से जो ईमान लाए हैं कि वो नमाज कायम करें और जो कुछ हमने इन्हें दिया है इसमें से खर्च करते रहें उफिया और एलानिया यानी कि आप छुप कर भी अल्लाह की राह में खर्च करें जैसे कि हदीस में आता है कि आप इस तरह से खर्च करें कि दूसरे हाथ को पता ना चले और एलानिया भी कई दफ़ा आप इंस्पायर भी करते हैं लोगों को मैं कुछ ऐसे लोगों से इंस्पायर हुई हूँ जो कि माशाल्लाह अल्लाह की राह में इस तरीके से खर्च करते हैं कि आप हैरान होते हैं लो, लोगों में जितनी एक तरफ आप दुनियावी जिंदगी की चीजों की या दुनियावी माल की इस इंतहाई दर्जे की मोहब्बत देखते हैं तो दूसरी तरफ आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि बगैर इस चीज़ को रियलाइज किए कि जी अच्छा जैसे लोग आगे की जिंदगी के लिए प्लान करते हैं कि जी अः कोई प्लॉट ले लें या कोई बिल्डिंग बना लें या कुछ फला कर लें उनके पास माल आता है और वो अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं और मैंने उनके हाथ पर फिर तंगी नहीं देखी तो खुफिया भी और ऐलानिया भी इससे पहले पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना कोई खरीदो फरोख्त होगी ये नहीं होगा कि अपने अमाल दे दो और मुझसे ये माल ले लो ऐसा नहीं होगा और ना कोई दोस्ती काम आएगी बेटे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सदके में तखिर ना करें चाहे आप आपकी इस वक्त कोई भी उम्र है जो कुछ भी आपके पास है जितना भी है इसमें से आज सदका करें आप देखें जो जब इंसान मरता है ना तो उसकी क्यामत तो उसी वक्त आ, आ जाती है उसके अमाल का सिलसिला तो रुक गया है सिवाय उस हदीस के कि आप की नेक औलाद है या कोई आपने कोई ऐसा काम किया है जो लोगों की खैर के लिए इस्तेमाल हो या कोई अच्छी नेक बात आपने आगे फॉरवर्ड कर है इसके अलावा जो माल आप जो खर्च कर दें आप आगे इसके अलावा तो हम अब और ना कोई नमाज पढ़ सकते हैं ना ही कुरान खोल के पढ़ सकते हैं और ना जो शख्स चला गया है वो ना रोजा रख सकता है और वो कुछ भी नहीं कर सकता तो क्या उसकी शुरू होगी तो उस दिन के आने से पहले पहले हमें नहीं पता कि हम कल हैं नहीं है तो इस चीज का इंतजार ना करें कि हम बड़े हो जाएंगे और हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम करेंगे बेटे जितना कर सकते हैं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब कुछ उठा के दे दें लेकिन आपके पास जो कुछ है उसमें से खर्च करें अल्लाह की राह में अल्लाह नीयत देखते हैं अल्लाह ताला आपके माल नहीं देखते हैं हदीस में आते ना कि वो आपके माल और आपकी शक्ल नहीं देखते अल्लाह तुम्हारे दिल देखते हैं तुम्हारी नीयत को देखते हैं आप चाहे एक रुपए की मदद किसी की कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो आजकल बहुत रुपए की वैल्यू जो है वो आ, नीचे गई भी है तो एक रुपए से चलो कुछ नहीं होता लेकिन आप किसी को एक रोटी दे सकते हैं एक सेब दे सकते हैं एक केला दे सकते हैं आप कुछ भी जो आपके अख्तियार में है अल्लाह की राह में खर्च किया करें क्योंकि अल्लाह रहे हैं इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना कोई खरीदो फरोख्त होगी और ना कोई दोस्ती काम आएगी जिस दिन हमारी आंखें बंद होंगी उस दिन हमारी ना कोई उस दिन उस दिन हमारे लिए ये चीजें बेकार हो जाएंगी। आगे चलते हैं। बा ही है जिसने पैदा किया है आसमानों और जमीन को और उतारा आसमान से पानी फिर निकाला इसके जरिए से फलों की शक्ल में तुम्हारे लिए रिस्क व शख्ला फुलका ली तजरिया फिल बी बख्लाक अनहार और मुस्खिर कर दिया तुम्हारे लिए कश्ती को कि वो चले समंदर में इसके हुक्म से और इसने मुशिर कर दिया तुम्हारे लिए दरिया और नहर वगैरह कैसे चलती है कश्ती समंदर में बड़ी साइंस है ना इसमें सरफेस एरिया होता है एक फोर्स सप्लाई होती है नीचे से जिस जो आपने सरफेस एरिया पे जो जिस जब जो, जो, जो कश्ती होती है वो पानी उधर से डिस्पर्स होता है या जो अंदर की जो एयर है वो डेंस ज्यादा होती है बड़ा बड़ी साइंस है इसमें है ना हालांकि अल्लाह साली कह रहे हैं और मुस्खर कर दिया तुम्हारे लिए कश्ती को ये जितनी भी रीजन साइंस आपको दे लेना बेटा वो सिर्फ बता सकती है कि क्या हो रहा है वो ये नहीं बता सकती क्यों हो रहा है वो कभी भी नहीं बताएगी आपको चाहे वो कश्ती का मामला हो या इंसानी बॉडी के बारे में हो कोई भी चीज़ दुनिया में हो फिजिक्स बता देगी उसकी कि जी वो चीज़ कैसे हो रही है कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा लेकिन कभी वो ये नहीं बताएंगे कि वो फोर्स हुक्म रब्बी की वजह से अप्लाई हो रही है इसलिए अल्लाह सल्ला कह रहे कि और मुस्ख़िर कर दिया तुम्हारे लिए कश्ती को अल्लाह ने मुस्ख़िर किया है अल्लाह ने इन तमाम चीज़ों को हमारे लिए मुस्खिर कर दिया है ताकि हम इसको तस्वीर करें इसको एक्सप्लोर करें इन चीज़ों को इस्तेमाल करें कि वो चले समंदर में इसके हुक्म से अल्लाह के हुक्म से हुक्म रबी है ये तमाम चीज़ हमारे जिसम के अंदर हुक्म रब्बी चल रहा है इस वक्त चाहे आप दस हजार तावीलें घर लें कि हार्ट जो है वो इस तरह से खून पंप कर रहा है और एक से जा रहा है साफ ब्लड जा रहा है और इस तरह से खराब ब्लड आ रहा है ये जितनी मर्जी आप तावीलें कर लें हाँ ऐसा ही है ठीक है लेकिन ये हो क्यों रहा है ये हुक्म रबी अल्लाह का हुक्म है और इसने मुशिर कर दिए तुम्हारे लिए दरिया और नहरें भी अगर अल्लाह चाहता अल्लाह ताला इनको हुक्म ना देता तो हम इनको इनको पार नहीं कर सकते थे इंसान दरिया पार करने की क्या एक नली पार करने के काबिल नहीं अगर अल्लाह ताला ने इन चीजों को हम हमारे ताबे ना कर दिया होता और मुस्खिर कर दिया तुम्हारे लिए सूरज को और चांद को कि मुसलसल चल रहे हैं कभी इनकार नहीं करता सूरज कि नहीं वो आपको मुस्तकिल जब से ये जमीन बनाई गई है वो आपको एनर्जी दे रहा है इसमें जो दुनिया के ऊपर पूरी हयात चल रही है वो सबको कॉन्स्टेंट उनकी मदद में लगा हुआ है कभी उसने इनकार नहीं किया कभी उसने किराया नहीं मांगा चांद हो सूरज हो रात हो दिन हो ये सब अल्लाह की मखलूक हैं और अल्लाह सुबहान ने इनको हमारे लिए काम में लगा रखा है लेकिन अगली आयत के एंड पे आप एक बड़ी हिला देने वाली बात पढ़ेंगे और मुश्कत कर दिया तुम्हारे लिए सूरज और चांद को कि मुसलसल चल रहे हैं और मुशक्त कर दिया तुम्हारे लिए रात को और दिन को ये कि कितनी बड़ी बड़ी नीमते हैं लेकिन इस आयत के एंड में आप पढ़िएगा कि अल्लाह क्या कह रहे हैं। वा वा इन और इसने तुम्हें वो सब कुछ दिया जो तुमने इससे मांगा यानी कि एक जगह एक और मैं तर्जमा पढ़ी थी कि जो कुछ तुम्हारे लिए बेहतर था वो सब कुछ अदा किया और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे तो नहीं गिन सकोगे यकीनन इंसान बड़ा ही और बहुत नाशुकर है एंड देट इज सो ट्रू हम वाकई में बहुत बड़े नाशुक हैं हम अल्लाह इतनी बड़ी बड़ी नेमतों को बिल्कुल पसे पुष्ट डाल के अपनी चीजों के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं अभी पिछले दिनों मैंने एक बड़ी एक वीडियो देखी है एक शॉर्ट रिमाइंडर था उसमें बड़ी उन्होंने अच्छी बात की उन्होंने कहा हम लोग कई दफ़ा नमाज पढ़ रहे होते कि हम दो से बचना चाह रहे होते या मम्मा सर पे खड़ी हुई है या बाबा सर पे खड़े हुए हैं तो नमाज पढ़नी है डांट पड़ेगी अबू से या अम्मी से आ, या फिर हम जो है अः नहीं सुनना चाहते फरिश्तों की आ, सुनना तो खैर क्या लेकिन वो लेना नहीं चाहते या फिर दो से बच रहे हैं या इस तरह से इन इन चीजों की वजह से हम नमाज पढ़े होते हैं हालांकि अगर देखा जाए तो अल्लाह साम की नीमतों का शुक्र अदा करते हुए भी तो पढ़नी चाहिए इतनी बड़ी बड़ी नीमते हमें दी हुई हैं तो हमें उस उस चीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहिए उस जात से अपना कनेक्शन ताल्लुक अपना कायम करना चाहिए जो इतनी मेहरबान है जिन्होंने हमारे लिए इतनी सारी चीजें कर रखी हैं बेशक इंसान वाकई ही में बहुत जालिम और बहुत ना शुक्र है हम वाकई अल्लाह की चीज़ों का नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते बिल्कुल भी नहीं करते में ऐसे लोगों में शामिल ना फरमाएं जो ालिम और नाशुक्र अब चूंकि ये जो, जो हज़रत इब्राहिम का नाम है तो हज़रत इब्राहिम की बड़ी अच्छी दुआ बड़ी जाम दुआ इसमें शामिल हो रही है इसको ग, बाद में भी जब इनशा क्लास मुकम्मल हो जाती है जरूर पढ़िएगा तर्जुमे के साथ दिल से पढ़िएगा ये बहुत अच्छी दुआ है माशा व इस इब्राहिम आमिनुबी और याद करो जब कहा इब्राहिम ने कि मेरे रब इस शहर को मक्का को बना दे अमन की जगह और बचाए रख मुझे और मेरे औलाद को इससे के हम बुतों की परस्तिश करें अब आप ये सोचे कुफार मक्का को ये दुआ पढ़ के सुनाई जा रही है क्योंकि कुफार मक्का जो है वो इस चीज़ को मानते थे कि हजरत इब्राहिम जो है वो हमारे हम, हम उनके फॉलोअर्स है हम उनको मानने वाले तो उनको ये दुआ सुनाई जा रही है कि जिनको तुम मानते हो वो ये दुआ क्या करते थे कि मुझे और मेरी औलाद को बुतों की परस्तिश से बचाइएगा उनको अपना खुदा मानने से बचाइएगा तो तुम लोग क्या कर रहे हो عصاني तबीन असानी फ इनका मेरे पर इन बुतों ने पहले भी बहुत से लोगों को गुमराह किया है यानी कि लोग इसके इनके पीछे लगे हैं और बहुत से लोग गुमराह हो गए तो जो कोई मेरी पैरवी करे यानी कि जो पैगाम मैं लेके आया हूँ एक खुदा को मानना मानने की बात तो जो कोई मेरी फरमानी करे तो बिलाशुबा तू, बिला तो बिला तो बिला तू बख्शने वाला मेहरबान हैब्राहिम उन्हें बदुआ नहीं दे रहे वो ये कह रहे हैं किला चाहे तो उन्हें राह आ सकते हैं तो बख्शने वाले और मेहरबान है ए हमारे रब मैंने अपनी औलाद की एक शाख को यानी कि दो बेटे थे ना हजरत इब्राहिमत इब्राहिम के हजरत इस्माइल, जिनको लाके उन्होंने बके के पास आबाद किया था और हजरत इसहाक थे उनमें से यानी कि ए औलाद की एक शाख को आबाद कर दिया है इस बे आबाव गया वादी में यानी कि ये बिल्कुल रेगिस्तान है कुछ भी नहीं है आगे पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा है फिर अल्लाह सल उन्हें आब जमजम अदा किया फिर वहां पर आके कुछ कबीले आबाद होने शुरू हुए उनकी इजाज़त से फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां पर नस्ल बढ़नी शुरू हुई लेकिन जब ला के आबाद किया था उस वक्त तो कुछ भी नहीं था तो उन्होंने कहा कि मैंने इस वादी में आके उन्हें आबाद किया है मैं तेरी तेरे मोहतरम घर के पास ए हमारे प्रवृत् ताकि ये नमाज कायम करें नमाज कायम करना यानी कि पूरा बाकायदा नमाज का अहतमाम वहां पर शुरू हो मैंने यहाँ पे इसलिए इलाके आबाद किया है ताकि ये लोग नमाज कायम करें आप ये देखें हम अपने बच्चों को सुबह के वक्त नहीं उठा रहे होते और उन्होंने एक छो, अपने अपनी बीवी और अपने बच्चे को ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ भी नहीं था उस वक्त तो पानी भी नहीं था इसलिए इलाके आबाद किया कि वो कह रहे कि मैंने यहाँ पे इन इलाके आबाद किया ताकि वो नमाज कायम करें तो तू लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे यानी कि लोगों के दिलों में इनके लिए नरमी डल जाए और इनको रिस्क अता कर फलों से ताकि वो शुक्र अदा करें आप ये सोचें कि ऐसा रेगिस्तान आज भी अगर आप ये वाला पूरी बेल्ट देखें सऊदीया की तो पूरा आप ये देखें यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे उनकी अपनी कोई उस तरह से बहुत ही थोड़ी मकदार में कोई फल वगैरह होते हैं उस तरह से आप ये नहीं देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद में इनके जरात वगैरह होते हैं ऐसे कुछ होते लेकिन अगर आप वहां जाए तो हर किस्म का फल आपको वहां पर नजर आएगा दुनिया जहां से अल्लाह स्वाने तो ताला ने उनको वाकई हज़रत इब्राहिम की दुआ को कबूल करते हुए ये चीज़ उनको अता कर दी है। तो तू लोगों के दिलों में इनकी तरफ तू इन, लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे और इनको रिस्क अता कर फिर तो आपका माइक प्लीज ताकि वो शुक्र अदा करे युख़्ी वा युख़्ी वा ला 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 ए हमारे परवरदिगार तू खूब जानता है जो कुछ हम छुपाते हैं और जो कुछ हम जाहिर करते हैं और अल्लाह पर तो कोई शय मख् नहीं अल्लाह सन्न तो हर चीज को जानते हैं जो कुछ हम इंसान अपने दिलों में छुपा रहा होता है, या जो कुछ इंसान जाहिर कर रहा होता है। और अल्लाह पर तो कोई शेमखफी नहीं, ज़मीन में और ना आसमान में। अल्हम्दुलिल्लाह लाज़ी बहबाली अल किब्री इस्माइल व इसहाक। इन्ना रब्बी लसमियू दुआ कुल शुकर और कुल सना इस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे अताफ फरमाई बावजूद बुढ़ापे के यानी कि बुढ़ापे के वक्त मुझे ये औलाद बुढ़ापे के इस्माइल और इसहाक जैसे बेटे यकीनन मेरा परवदिगार दुआओं का सुनने वाला है अल्लाह साल से दिल खोल के दुआ किया करें जैसे कि अः हदीस में आता है कि इंसान उस दिन ये कहेगा कि काश मेरी जो दुआएं हमारी हम दुआ दुआएं मांगते हैं दुनिया में और जो कबूल नहीं होती तो उनके बारे में आता है कि इंसान कहेगा कि का उसका अजर इतना ज्यादा मिलेगा कि वो कहेगा काश मेरी कोई दुआ कबूल ही ना हुई हो तो जितना हो सकता है ना अल्लाह साल से दुआ किया करे हर चीज के लिए दुआ किया करे कोई मसला कोई परेशानी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कोई बात हो अल्लाह साल के लिए कोई बात बड़ी नहीं है उनसे दुआ किया करे رب اجعلني مقيم الصلاه و ذريتي ربنا وتقبل دعاء امري برديگار مجيب بنا دے نماز قائم کرنے والا ابراهيم یہ دیکھیں حضرت वो अल्लाह तब अल्ल के नबी हैं और वो ये दुआ मांग रहे हैं कि मुझे नमाज़ क़ायम करने वाला बना दे कई दफ़ा ये होता है मुझे कई दफ़ा बच्चों के मैसेज भी आते हैं कि हम मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे होते या हम से हम नमाज़ छोड़ रहे होते हैं या इस तरह की कोई भी बात आपके जब दिल में आती है तो आप अल्लाह ताली से तब भी दुआ मांगे हज़रत इब्राहिम भी देखें नमाज के लिए दुआ मांग रहे हैं हमें तो लगता है ना कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात थी इनके लिए तो कोई मसले वाली बात ही होगी नमाज़ वगैरह तो आई एम श्योर उनकी तो नमाज़ें हमसे लाखों दर्जे बेहतर होंगी लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह हमें कुरान में उनकी कौन सी दुआ नकल करके बता रहे हैं मुझे बना दे नमाज़ क़ायम करने वाला और मेरी औलाद में से भी आप अपने लिए भी दुआ करें अपनी औलाद के लिए भी दुआ करें अपने बहन भाइयों के लिए भी दुआ करें अगर आप वाकई ही चाहते हैं उनके लिए खैर तो इस चीज़ मांगे अल्लाह तआला से कि सुबह तुम्हान कई दफ़ा होता है हमारे दुआओं में खुशो खुजू नहीं होता आप उतने फोकसड नमाजे नहीं पढ़े होते इसके लिए भी दुआ करें इसके लिए भी दुआ करें हम हैं ऐसे दौर में अनफॉर्चुनेटली हम इस दौर में हैं जिसमें बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं हम बहुत जल्दी चीज़ों में और चीज़ों में गुम हो जाते हैं तो इसके हर चीज के लिए दुआ करें मुझे बना दे नमाज कायम करने वाला और मेरी औलाद में से भी ए हमारे मेरी इस दुआ को कबूल आप ये देखें कि दुआ को कबूल करने के लिए भी दुआ कर रहे हैं इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए आप देखिए कुरान में बहुत सारी दुआएं नकल हैं क्योंकि दुआओं से वाकई आप, 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 आपकी जिंदगी बदल जाती है दुआओं से ये एक बड़ा स... स्पेशल जो हदीस में आते हैं ना दुआ मोमिन का हथियार है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते आके चलते हैं रब्बना اغفر لي و لي والدي و للمؤمنين يوم يقوم الحساب ऐ हमारे परवरदिगार मुझे मेरे वालिदैन और तमाम मोमिनों को बख्श दें जिस दिन हिसाब कायम हो

आप हर किस ना समझें अल्लाह को गाफिल इससे जो ये जालिम कर रहे हैं मतलब जो कुछ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या सहाबा के साथ हो रहा था अल्लाह रहे हैं आप ये ना समझे कि मैं इस चीज़ से गाफिल हूँ मुझे पता है जो कुछ ये कर रहे हैं यकीनन वो इन्हें मोहलत दे रहा है एक टाइम है एक हर चीज का वक्त है तो उन्हें मोहलत दे रहा है इस दिन तक जिसमें निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी مقنعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوا वो दौड़ते होंगे महशर की तरफ अपने सरों को ऊपर उठाए हुए हुए मतलब आप ऊपर जैसे देख रहे होते हैं उठाए नहीं लौटेगी इनकी तरफ इनकी निगाह और इनके दिल उड़े हुए होंगे आप देखें कि इतनी खौफनाक एक मंजर होगा कि वो बस दौड़े चले जा وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب और ए नबी ख़बरदार कर दीजिए लोगों को इस दिन से जब इन पर अजाब आएगा तो कहेंगे वो लोग जिन्होंने जुल्म की रविश इख्तियार की थी ए हमारे परवरदिगार हमें मोहलत दे दें बस थोड़ी सी मुद्दत तक दहरसी बात है अल्लाह की रहमत से वो भी उन्होंने ये सारी चीज़ें सुन रखी थी कि जो कोई भी ईमान ले आएगा उसके पिछले सारे गुना माफ़ कर दिए जाएंगे तो उन्हें कोई बहुत ज्यादा लंबी तो नहीं चाहिए कि जी पूरी जिंदगी हम दोबारा गुजार के आए वो करें बस थोड़ी सी मुदत दे दें एक दफा माफ़ी मांग लेंगे फिर पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे फिर माफ कर दिए जाएंगे हम तेरी दावत कबूल कर लेंगे और रसूलों की पैरवी करेंगे मतलब हमें बस थोड़ी सी देरों के लिए वापस भेज दें हम वापस सब हम सब ठीक हो जाएंगे जवाब में कहा जाएगा क्या तुम तो वही लोग नहीं हो जो पहले कसमें खाया करते थे कि तुम्हारे लिए कोई जवाल नहीं है मतलब हम कहा हम नहीं मरेंगे हम हमारे पर या मर के दोबारा जिंदा नहीं किए जाएंगे या ये जो शान शौकत है हमारी इनमें से कुछ भी खत्म नहीं होने वाला उस वक्त इंसान इतने तकबर में था लकुमुल और तुम आबाद थे इन्हीं लोगों के मस्कनों में जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था ज़ाहिर सी बात है अगर आप ये सारी पूरी बेल्ट देखे सूर्य में हमने इसको कम्पलीटली पूरा मैप के साथ डिस्कस किया है कि कौन कौन से जो एरिया थे वो सारे ये जो मक्का के करीब का एरिया था यही वाला एरिया था जहाँ पे कौम लूत आबाद थी कौम साले आबाद थी तो इनके जो मामला इनके साथ हुए थे वो लोगों के सामने थे और तुम आबाद थे इन ही लोगों के मस्कनों में जिन्होंने अपनी जानों पर जुर्म किया था मतलब तुम देख चुके थे और तुम पर अच्छी तरह वाजिया हो गया था कि हमने इनके साथ क्या सलूक किया था यानी कि जो कुफर करने वाले थे इनकार करने वाले थे उनके साथ क्या मामला हुआ था? और हमने, और हमने तुम्हारे लिए मिसालें भी बयान कर दी थी मिनहुल जबल और उन्होंने अपनी सी चालें चली नबियों के खिलाफ चाले चला करते थे लोग और उन्होंने अपनी सी चाले चली और अल्लाह ही के कब्जे कुदरत में हैं इनकी तमाम चाले अल्लाह सुबहान तला के सामने इनके कोई प्लान काम नहीं करने थे उन्हें सब पता था ये क्या चाले चल रहे हैं क्या प्लॉट कर रहे हैं नबियों के अगेंस्ट और इनकी चालें ऐसी तो नहीं थी कि इनसे बाहर टल जाते और एक जगह इसका ये भी तर्जुमा आया है कि चाहे इनकी चालें इतनी बड़ी होती कि पहाड़ टल जाते अल्लाह सुबहान तला की नज़र से बचे हुए नहीं थे ये कि जो ये प्लॉट किया करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट या उससे पहले जो पैगंबर पे, थे उनके अगेंस्ट जो ये प्लॉट कर रहे थे ये अल्लाह सुबहान तला से बचे हुए नहीं थे फला तो आप ये मत समझें कि अल्लाह अपने इस वादे के खिलाफ करेगा जो इसने अपने रसूलों से किए यानी कि जो उनको उनके साथ वादे किए गए हैं कि ऐसी कौमों को हलाक कर दिया जाएगा या इनके ऊपर अजाब आएगा ये लोग फला नहीं पाएंगे या आखरत का अजाब है तो अल्लाह सुनता तो आप ये मत समझें कि अल्लाह अपने इस वादे के खिलाफ करेगा जो इसने अपने रसूलों से किया है यकीन अल्लाह जबरदस्त है इंतकाम लेने वाला यौमा अर्दु योदर्दयी जिस दिन बदल दी जाएगी और इस और जमीन के सिवा किसी और शक्ल में और आसमानों को भी बदल दिया जाएगा और ये हाजिर हो जाएंगे अल्लाह के सामने जो वाहिद कहार है यानी कि जो मुकम्मल तौर पर गलबा अः रखते हैं हर चीज के ऊपर गालिब है وترى المجرمين يوما يومئذ مقرنين في الأصفاد और तुम देखोगे मुजरिमों को इस रोज के वो जकड़े हुए होंगे बाहम जंजीरों में जैसे कि हमने पहले इस चीज का जिक्र किया कि एक दूसरे के साथ चेन होंगे ये लोग सराबीलुहुम मिन कतरानियु वतगशा वुजूहहुम अन्नार इनके कुर्ते यानी जो कमीजें जो इनकी होंगी होंगे गंधक के कुछ जगह आता है कॉपर के और अगर आप देखें तो कॉपर के बारे में आता है कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जाके वो मिल्टे मेल्ट होने वाली चीज है यानी बेसिकली ये लिए लिए बड़े स्ट्रॉन्ग कंडक्टर होती है ना हीट के तो आप बड़ा सख्त आप समझें कि उस तरह से जो मंजर कशी की जा रही है कि इनके जो जिस तरह से ये चेंड होंगे या जिस तरह से क्यामत के दिन का जिक्र आ रहा है अल्लाह सुबह तला हमें ऐसे लोगों में शामिल ना फरमाए जरूर ऐसी दुआ क्या करें इनके कुर्ते होंगे गंधक के और ढांपे हुए होगी इनके चेहरों को आग लिया कुल्ला नफ्स मा कसबत इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब ताकि अल्लाह बदला दे दे हर जान को जो कुछ भी इसने कमाया यानी कि जो कुछ इंसान ने दुनिया में किया होगा इस चीज का बदला उस दिन मिल जाएगा यकिन अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। ये है लोगों के लिए पहली बार कुरान ये आय जहाँ सूरा जहां से स्टार्ट हुई थी उसमें भी यही था कि ये लोग ये पैगाम है जो कि लोगों को अंधेरे से निकाल के निकालता है रोशनी एंड भी आप देखिए यही हो रहा है कि ये पैगाम है लोगों के लिए ताकि वो इसके जरिए से खबरदार कर दे कर दिए जाए और ताकि वो जान लें कि सिर्फ वो ही मबूद है अकेला और इसके लिए नसीहत अखस करे अकल वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज सुर इब्राहिम हमारी मुकम्मल हो गई अभी तक आई नो हमारे उस तरह से ज्यादा बात कुछ नहीं हो सकी क्योंकि बड़ी इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड आया थी दुआएं थी और ये सारी चीजें थी तो अगर आप लोगों का कोई सवाल हो आ, या पहले लेसन कर लेते हैं और फिर एड में आपके सवाल ले लेते हैं ठीक है अच्छा पहला लेसन जो हमारा था एक सेकेंड हमारा पहला लेसन वो था जो के बिल्कुल हमने स्टार्ट में किया था मुझसे मिस हो गई वो स्लाइड लेकिन मैं वो शेयर जरूर करना चाहूंगी ये वाली माशरे में पैरवी की, की जाती है किसी अमीर आप सोचे ना उस तरह से कि कोई भी जो कि आप, आपको अल्लाह जिनको भी कोई रुतबा कोई उहदा या कोई भी पोजीशन किसी भी लिहाज से चाहे आपके घर में कुछ लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं उस वक्त आपके पास कोई छोटी पोजीशन है या किसी और लिहाज से क्या आप कोई बड़े सो कॉल्ड सेलिब्रिटी बन गए हैं या आप कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन बन गए हैं किसी भी लिहाज से किसी भी लेवल पर लोगों को फॉलो किया जाता है तो अगर आपको भी लगता है कि आपको किसी लेवल पर फॉलो किया जा रहा है तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये बात याद रखिएगा चाहे एक छोटा बच्चा ही आपकी छोटी बहन ही आपको देख के फॉलो कर रही है ये बात याद रखिएगा ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तो बेहतर ये कि आज ही उनसे खैर की बात की जाए ठीक है बेटा ये बात याद रखिएगा ये छोटी बात नहीं है हम आज भी अपने इर्द गिर्द माशरे में यही चीज देखते हैं कि उन लोगों को फॉलो किया जाता है जो कि सो कॉल्ड एक नजर आते हैं ना कोई मुल्क चाहे आ, मुल्क के तौर पे देख लेंगे कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनको हर लिहाज से फॉलो किया जाता है वेस्ट पे यूजुअली हम हर चीज़ अपनी वेस्ट के मुताबिक देख के कर रहे होते हैं तो एक उस लिहाज से भी फॉलो किया जाता है अपने मुल्क में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने ख़ानदान में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है अपने घर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है तो बेहतर यह है कि खैर की चीज़ में फॉलो करवाएं अपने आप को इसके साथ साथ वो शैतान जो है वो उस दिन बिल्कुल बरी जिम्मा हो जाएगा उस दिन उसने साफ कहा कि मैं सिर्फ दावत देता था मेरा कोई इख्तियार नहीं था तुम लोगों पर तो इसलिए उसके कहने पे अमल ना करें और कुरान के पैगाम पे अमल किया जाए ये असल कामयाबी है इसके अलावा और कोई कामयाबी का रास्ता नहीं है जब भी आपको किसी किस्म की कोई ऐसी बात कोई ऐसा विस्पर आपको लगे कि जो कि इस्लाम के खिलाफ है आप ताउस पढ़ें और अपने आप अप कोई नेक काम करने की कोशिश करें उसी वक्त उठें कोई जिक्र करें कोई नफिल पढ़ लें अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करें उसकी किसी भी पैगाम की पैरवी ना करें और इसके लिए बेटे बहुत जरूरी है कि अपना इल्म बढ़ाएं हमें पता हो कि कौन सी चीजें इस्लाम में नहीं करनी है हमें कई दफा वो दीन के नाम पर ही बहकारा होता है बिदतें हमारी जिंदगियों में ऐड करके तब भी हमें वो वसवसा हमारे अंदर डाल रहा होता है तो आपको ये चीज़ आपका इल्म इतना हो कि आपको ये पता हो या एटलीस्ट अगर कोई चीज आपके सामने आती है उसी वक्त उसको सर्च करें थोड़ा थोड़ा करते ही कहते ना कतरा कतरा समंदर बढ़ता है इसमें इसी चीज से आपका इल्म इतना बढ़ जाएगा कुछ अरसे के बाद कि आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये काम मुझे नहीं करना तो जो चीज आपके सामने आती है उसको खुद सर्च करें उसके बारे में पता लगाए उसके बारे में पढ़ें कुरान में पढ़ने की कोशिश करें अब तो ऐसी माशाल्लाह एप्स आ गई हैं ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं कि जिसमें आप वर्ड लिखते हैं और उससे रिलेटेड जो कुरान में आयतें होती हैं वो सारी आयतें आ जाती हैं तो ये अपन, अपना इल्म बढ़ाएं इस सूरत में हदीस पढ़ा करें अपने आप को कनेक्टेड रखें इन चीजों से और इसके साथ साथ सदका देने में ताखिर ना करें अल्लाह सल कह रहे हैं कि उस दिन से पहले पहले दे दो जबकि जब ना कोई खरीदो फरोख्त होगी और ना कोई दोस्ती काम आएगी तो जो कुछ आपके पास है इसमें से आज सदका करें कोई बहुत बड़ी अमाउंट करनी अल्लाह सबल तमाउंट नहीं देखते कि कितने कुछ दस करोड़ किसी ने किए या किसी ने दस पैसे किए हैं इस अल्लाह साली को आपकी अमाउंट से नहीं अल्लाह ताली आपकी नीयतें नीयतों को देखते हैं आपके दिलों को देखते हैं जिस हद तक आपसे हो सके लोगों की मदद किया करें हमें नहीं पता कि हम हमारे पास कल का दिन है या नहीं है हमारी क्यामत कब शुरू हो जाएगी हमें नहीं पता ये बात जजाक खैर कसीर कसीरा सुबह नकल हम हम अलैक